हाय गाइस, दिस इज शिल्पा। मैं हूँ एजुकेशन मार्ट से और आज टैबल्यू की सेकंड क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपको टैबल्यू सर्वर पे आपको डब्ल्यू डेस्कटॉप और इधर पब्लिक वर्जन में आपको अपने डेटा को सबसे पहले टैबल्यू पे लेके जाना है, मीन्स इम्पोर्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब होप आपको पहले वीडियो से आपने डाउनलोड कर लिया होगा सॉफ्टवेयर। तो अभी हम टैबल्यू को ओपन करने जा रहे हैं। टैबल्यू हम लिखते हैं और मैं पब्लिक वर्जन ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं, ये फर्स्ट विंडो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही हम इस विंडो को ओपन करते हैं तो ये बहुत सारे टू फाइल में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टेक्स्ट, बहुत सारे देखिए फॉर्मेट है। मोर पे जाएंगे तो और फॉर्मेट है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि आप टैबल्यू पब्लिक पे सिर्फ लिमिटेड सोर्स से ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 4 से 5 ही कनेक्टर्स आपको दिए गए हैं। बट अगर डेस्कटॉप पे जाएंगे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिकॉज जो मैं डेटा इंपोर्ट करने वाली हूँ वो मेरे कुछ एक्सेल का डेटा है जो मैं टैबल्यू में लेके उसका डैशबोर्ड्स और चार्ट्स को बनाना चाहती हूँ, एनालिसिस करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ एक्सेल पे क्लिक कर रही हूँ। अब जैसे ही आप एक्सेल पे क्लिक करते हैं वो पूछते हैं आपका डेटा कहाँ है। तो मेरा डेटा जो है वो मेरा लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे है, डेटा सेट्स के अंदर है, और यहाँ पे मेरा ये रहा डेटा, डेटा सैंपल सुपर स्टोर, जो कि मैं इसे इंपोर्ट करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ डेटा सैंपल सुपर स्टोर को क्लिक कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। और जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी सारी की सारी शीट्स आ चुकी हैं। अब वो क्या बता रहा है कि आपने जो डेटा सैंपल सुपर स्टोर इंपोर्ट किया है उसमें ये नीचे सारी शीट्स हैं। अब इनमें से कौन सी शीट को आप टैबल्यू के अंदर लेके जाना चाहते हो वो आपको यहां बताना है। तो मैं चाहती हूं कि सबसे पहले मेरी एक ऑर्डर शीट है, फिर मेरी रिटर्न शीट है और एक सेल्समैन शीट है। अब मैं इन तीनों को लेके जाना चाहती हूँ, जिसमें मैं क्या चाहती हूँ, सेल्समैन पे मेरे कुछ सेल्समैन अवेलेबल है और उन सेल्समैन ने कौन से ऑर्डर लिए हैं वो ऑर्डर शीट पे अवेलेबल है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ भाई सेल्समैन ने कितने ऑर्डर लिए हैं, उनका अमाउंट क्या है। तो इस तरीके से दो शीट्स के बीच में लिंकअप करके मुझे कुछ डैशबोर्ड्स बनाने हैं। तो देखिए ये सब काम जो होता है हमारा कनेक्शन से होता है। कनेक्शन मीन्स इट्स कॉल्ड जॉइन। जॉइन मीन्स आप दो शीट्स को आपस में किसी सेम की से लिंक करते हो। लेट सपोज ऑर्डर में मेरा कोई एक की है और रिटर्न में भी मेरा एक कोई सेम कॉलम है, उन दोनों को आपस में मैं जॉइन करूंगी और मैं टैबल्यू के अंदर लेके जाऊंगी। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए सबसे पहले मैंने ऑर्डर शीट को ड्रैग कर दिया, यहाँ जो ऑप्शन लिखा हुआ है ड्रैग टेबल हेयर, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे ड्रैग किया और उसको लीव कर दिया। अब देखिए यहाँ मेरी पहली टेबल आ चुकी है जिसका नाम है ऑर्डर, और नीचे देखिए उसका सारा डेटा वो रीड कर चुका है ऑलरेडी। अब बात करते हैं हम दूसरी टेबल को, अपना दूसरी शीट को यहाँ ड्रैग करके रिटर्न वाले को इसी साइड डाल रहे, तो आप देख सकते हैं उसने कर्वी लाइन दे दिया। इस कर्वी लाइन का मतलब क्या होता है, वो इन दोनों डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। अब कनेक्ट किस बेस पे कर रहा है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे ड्रॉप किया यहां तो एक विंडो खुल गई, उस पे आ रहा है लिखा हुआ एडिट रिलेशनशिप। इट मींस उसने दो शीट्स के बीच में ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। कैसे, उसने कहा कि भाई आपकी ऑर्डर वाली शीट पे भी ऑर्डर आईडी है और रिटर्न शीट पे भी ऑर्डर आईडी है। इट मींस दोनों शीट पे कौन सा वाला एक कॉलम मेरा प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्डर आईडी। तो वो ऑर्डर आईडी को आपस में लिंक कर रहा है और लिंक करने के बाद वो हमारी रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा। अब ये काम देखिए आप एक्सेल में करते तो थोड़ा मैन्युअली हमें करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ले लेता है, तो इसीलिए आपको कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से काम कर सकते हैं। बट इन सम केसेस अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ एडिटिंग चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे काफी सारे उसने ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ से जाके आप अपने रिलेशनशिप्स को चेंज कर सकते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे इसको कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं इसे छोड़ रही हूँ ऐसे ही। नाउ माय नेक्स्ट शीट इज सेल्समैन। आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक फिर दोबारा ऑर्डर से ही मेरी सेल्समैन शीट को ज्वाइन किया है। अब देखते हैं ये किस बेस पे उठाता है। तो यहाँ पे अब हम देखें तो रीजन और रीजन, इट मीन्स सेल्समैन पे भी रीजन प्रेजेंट है और ऑर्डर पे भी रीजन प्रेजेंट है। तो उसने क्या किया, मेरे दोनों को लिंकअप कर दिया है रीजन के बेस पे। तो यहाँ पे हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं, तो हमें इतना ही काम यहाँ करना है। अब अगर मैं तीनों शीट का डेटा देखूँ तो ये तीनों मेरे आ चुके हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप टैबल्यू में
किसी भी सोर्स से डेटा को यहाँ पे लाके और उसे इस जगह उसकी शीट्स को उसके डेटा सोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके टैबल्यू में डेटा को लेके जा सकते हैं। होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की और किस तरीके से हम कॉलम को क्लीन करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, वो सारे का सारा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होप गाइस आपको मेरी ये टैबल्यू की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे एजुकेशन मार्ट पे। और प्लीज अगर आप न्यू यूजर है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। बाय बाय।